रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तगड़ा झटका दिया है और यूक्रेन के किए वादे से मुकर गया है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पिछले हफ्ते कहा था कि युद्धक टैंकों की आपूर्ति हासिल करने के बाद अब वह पश्चिमी देशों से चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे US से F-16 को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ रेट के 6.5 होने का अनुमान लगाया गया है। यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल GDP का अनुमान 11% लगाया गया है। FY23 के लिए रियल GDP अनुमान 7% है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सोमवार को चुनावी राजनीति से हटने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही भविष्य में उनकी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा है। येदियुरप्पा ने कहा, मैं अभी 80 साल का हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि वह सक्रिय रूप से राजनीति में बने रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार देर रात 12 बजे कॉल करके ये धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने छानबीन शुरू की। कुछ समय बाद ही आरोपी का पता लगा लिया गया। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 100 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 132 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 147 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67,50,00,000 हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 67,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी है। प्रदेश में 496 सड़कें और 908 बिजली के ट्रांसफार्मर 2 दिन से ठप पड़े हैं। सड़कें अवरुद्ध होने से आवाजाही पर असर पड़ा है। GTR बंद होने से सैकड़ों परिवार अंधेरे में हैं। बिजली के बगैर लोगों को कड़ाके की सर्दी में अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अमीर की लिस्ट में से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक एक दिन में अडानी को $8 बिलियन का नुकसान हुआ है। 29 जनवरी को उनकी नेटवर्थ $92.7 बिलियन थी, जो सोमवार को घटकर $84.4 बिलियन पर आ गई है। इससे अडानी इंडेक्स 11वें स्थान पर आ गया है। भारतीय सराफा बाजार में आज 31 जनवरी 2023 को सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सोने की कीमत 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 67,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 57,041 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 67,947 रुपए है। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सेंसेक्स 39.49 अंक यानी कि 0.08% बढ़कर 59,539.90 के स्तर पर बंद हुआ।